फाइनली लखनऊ में अभी सुबह 6 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, तो बने रहिए। वैसे वीडियो की शुरुआत करते हैं, हर हर महादेव। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। तो चलिए, होटल विविध, हर हर महादेव। 6:30 हो गए, निकलते निकलते 5 बजे निकलने का सोचा था। अभी सबसे पहले टैंक फुल करना है, उसके बाद कोई बात। ले लिया फुल टैंक 1306 रुपये का, 4 रुपये 80 गए। यहाँ पीते हैं जूस। जूस वूस पी लिया, पेट्रोल भी डलवा लिया। अब चलिए, कोई VIP रोड है उस पर चढ़ना है। ये लखनऊ शहर से निकलते हुए रोहित कर ब्लॉक्स बात हो गया है। अभी तक लखनऊ में ही हूँ, विधानसभा। मस्त है लोकेशन, बौद्ध विहार, शांति उपवन। आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। अब आएगा मज़ा आएगा या फिर बोर होएंगे। पहले तो करते हैं चेन लूप। हो गया ग्लव। ये देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे भी फाइटर जेट्स को उतारा जा सकता है, उसके लिए बना है ये रनवे। बीच के ब्लॉक्स हट जाएंगे और ये बन जाएगा रनवे, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी था। अभी लगभग मैं 50-60 किलोमीटर आ चुका हूँ और अभी भी यहाँ से 240 के आसपास आगरा है। पानी ब्रेक के लिए अभी कन्नौज से 1 किलोमीटर पीछे हूँ। चलिए निकलते हैं। यहाँ से 180 किलोमीटर है आगरा और वहाँ से फिर पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे और चलेंगे नोएडा। वहाँ मेरा एक फ्रेंड रहता है और नोएडा में रहता है। बेसिकली वो यूपी में ही पढ़ता है, NCR में। तो अब हम जैसे छोटे शहर वालों के लिए नोएडा और ये सब जो भी है वो सब दिल्ली ही है, तो इसलिए दिल्ली दिल्ली बोलने का आदत हो गया। तो वहाँ से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली बोले तो नोएडा। वहाँ नाइट होल्ड करेंगे फ्रेंड के घर पे। तो यही है सीन अभी तक का, बढ़िया चल रहा है। अभी 9:15 हुए हैं और यहाँ से 6 घंटे के आसपास दिखा रहा है। चलिए, बस वगैरह सब चलता है भाई इस पे, बस ट्रक सब कुछ चलता है। और दिक्कत क्या है, जैसे ये बस वाला तो सही था, अपने साइड वाले 80 वाले लेन में चल रहा था, लेकिन कुछ ट्रक वाले हैं जो सबसे लास्ट वाले में भी चलते हैं, जो ओवरटेकिंग के लिए है सिर्फ। ये बीच वाला जिस पे मैं चल रहा हूँ ये 100 वाला है, इसके लेफ्ट साइड में 80, तो 80 100 80 100, तो इन दोनों में चलो। लेकिन वो क्या करते हैं, ओवरटेकिंग वाले में भी लग जाते हैं और दो ट्रक वाले रहते हैं सामने सामने, तो बीच से निकलना पड़ता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। चलिए कोई नहीं, मैं अपने सतर्कता पूरी बरत रहा हूँ, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ से 165 है। चलिए, सब ब्रेक लिया था, ऊपर देख रहे हैं
ये भी एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यूपी में तो एक्सप्रेसवे का जाल बनता जा रहा। कुछ देर तक तो बहुत मज़ा देता है ये रोड, 50-100 किलोमीटर, उसके बाद बोर करने लग जाता है। मैं बोर हो जा रहा हूँ चलाते चलाते, चल रहा हूँ लगता है सेम रिपीटेड जगह पे बार बार चल रहा हूँ, और सिर्फ मीटर देखता है, मीटर लिखा हुआ है कितना किलोमीटर है, किलोमीटर में 100-100 मीटर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता चल जाएगा कुछ इमरजेंसी होता है तो मेडिकल को, पुलिस वालों को, इसलिए ये सब दिया हुआ होगा। तो रेलवे में भी ऐसा ही रहता है, हर पोल पे एक निशान रहता है और एग्जैक्ट लोकेशन रहता है। चलिए, सिर्फ खेत है अगल बगल में, सिर्फ खेत लगातार। सैफई का एग्जिट है भाई, सैफई आ गए, सैफई महोत्सव का नाम सुना ही होगा। यहाँ से 47 किलोमीटर और आगरा रहता है, पानी ब्रेक के लिए। सैतालीस किलोमीटर और जाके मुझे यमुना एक्सप्रेस पे पकड़ना है। का बैंड बच जाता है बॉस। चलिए चलते हैं। ये एक टोल गेट है लेकिन ये रिंग रोड का है तो इसमें हम लोगों का टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसके आगे मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे। अभी पहले लेना है पेट्रोल, पहले 2 किलोमीटर आगे है। बाइक का तो पेट फुल हो गया, अपना भी कुछ हो जाए तो अच्छा है, कुछ खाया नहीं हूँ। चलिए देखते हैं, कोई सीन बनता है तो खा लेते हैं कुछ। अब तो दिल्ली पहुँचना है, 12:15 हो रहे हैं। पेट्रोल पंप मुझे उस पर भी मिलता लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। फाइनली आगरा में रुक के गाड़ी का फ्यूलअप कराया, फिर अपना फ्यूलअप कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, भोजन करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ पर। ये सब है कुछ दाल चावल रोटी खाते हैं और निकलते हैं। तो हो गया लेकिन भाई हालत ख़राब हो गया भोजन करते करते, इतनी गर्मी है कि मत चैन लूप करते हैं उसके बाद चलते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ये मीटर नहीं शो कर रहा है कितनी स्पीड पे चल रहा हूँ, अभी तक तो कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ। चेक इंजन लाइट भी चल रहा है तो दिल्ली तक कोई उपाय नहीं है। बहरहाल यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं, 200 किलोमीटर के आसपास है मेरा। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं वहीं जो होगा, नहीं होगा तो एक दिन स्टे कर लूँगा वहाँ, देखते हैं वहाँ चलने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए मेरे साथ, तो बने रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिएगा भाई साहब। नोएडा तक का कितना, 205 ना। फाइनली ये मीटर नहीं चल रहा था भाई, टेंशन हो गया था कि कुछ प्रॉब्लम हो गया बड़ा, फिर बैठा आधा घंटा उसी में लग गया, यूट्यूब में देखा क्या हो सकता है और ठीक वही हुआ। जैक उसका थोड़ा बाहर आ गया था, जैक को अंदर कर दिया, काम करने लगा। लेकिन ये चेक इंजन वाला जो है अभी ये मामला, अब अपने फ्रेंड के यहाँ जाऊँगा उसके बाद देखता हूँ, बस सोच रहा हूँ मोबिल इसका चेंज करा ही दूँ, इंजन ऑयल। तो चलिए अभी तक सब बढ़िया है, 158 किलोमीटर में अपने डेस्टिनेशन से दूर हूँ और
बस यही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली बहुत नज़दीक है, अब दिल्ली दूर नहीं है। यो क्या हाल है भाई? देखो अब दोस्त से आ गया हूँ, अब आराम से मिलाता हूँ। मेरे दोस्त का इसी में रहता है, ये पता नहीं किस में रहता है। चलिए सीधे रूम में बैठते हैं और फिर बात करते हैं। तो बंधुओं, आ चुका हूँ दिल्ली, वेलकम टू दिल्ली। बोल रहा था ना, दिल्ली दूर नहीं है, दूर है, बहुत दूर है, 1200 किलोमीटर, उससे प्लस है। तो अभी मैं कहाँ हूँ, मैं किसी होटल में नहीं हूँ, बोला था ना अपने बेस्ट बड़ी के पास जा रहा हूँ। ये रहा मेरा दोस्त। मैं हूँ धीरेन्द्र झा और ये है डुगू झा, बस डुगू। और मेरे बेटे का भी नाम डुगू है। आज रोहित को मैं होस्ट करूँगा, रोहित को होस्ट क्या करूँगा, रोहित का घर ही है। आज घर पर रुका है, होटल में नहीं रुका है, आज अपने घर पर रुका है। और आज यहाँ पे ये आराम करेगा, फिर कल निकलेगा यहाँ से अकेला। बहुत कुछ बना हुआ है, पहले तो प्लान था कि मैं भी ज्वाइन करता, लेकिन कुछ ऐसे काम निकल गया। इसका कहानी बता दूँ, 3 महीने से मैं भी चलूँगा और आने का डेट फिक्स हुआ तो हम बोलता है कि काम है, काम नहीं है, पैसा कमाना है, तो इसको कमाने देते हैं। काम है नहीं, लेकिन वो मेन रीजन वो नहीं है, बेसिकली क्या है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, बता नहीं सकते, ठीक है। और ये रहा डगल। तो टिल देन अगर कुछ होता है तो और ऐड करूँगा, तब तक वेट कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये लाल वाला बटन आ रहा है नीचे, वही वाला। तो जैसा कि धीरू के पास आ गया था अपने फ्रेंड के पास, और काफ़ी देर यहाँ पर बैठा, गप हुआ, नहाया धोया, उसके बाद चला गया मार्केट घूमने के लिए। और अब हो गया है डिनर का टाइम, 9:20, सुबह 6 बजे निकलने का प्रोग्राम है। तो अब दिखाते हैं डिनर, 56 भोग, क्या बोलते हो धीरू? 56 भोग भाई, ये तो बस वही है, दोस्त आया पहली बार तो दोस्तों तो बनता है भाई, स्पेशल वेलकम है बस। 56 भोग नहीं भाई, 56 भोग। ये क्या है? चलो फटाफट बताते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये गोभी, रसगुल्ला, दही, रायता, अचार, भिंडी का भुजिया, आलू, पनीर है, और ये तड़का है, फिर ये रायता है, ये देखो, ये देखो, और ये जिसको पैक करवा लेता हूँ 3-4 दिन के लिए। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं और आप इंजॉय कीजिए, हम लोग खाते हुए देखते हैं, ठीक है।